लहसुन के ऊपर गुब्बारा चढ़ाएं और अपने पैसे और टाइम बचाएं। साबुन के ऊपर सेफ्टी पिन लगाने से किस तरह आपके बेशुमार पैसों की बचत हो सकती है। आज की वीडियो में ऐसे स्पेशल टिप्स जो आप लोगों की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना देंगी, खासतौर पे आपके टाइम की और आपके पैसे की बेशुमार बचत करेंगी। तो टाइम ज़ाया के बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाजमी आप लोगों ने बेल के आइकन को दबाना है ताकि हर अच्छी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। काफ़ी लोगों को जो है मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती, और वीडियो को तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं पहली टिप की तरफ। पहली टिप जो है ना मेरी इस तरह की सेफ्टी पिन को लेकर है। सेफ्टी पिन अक्सर औकात क्या होता है, ख़राब हो जाती हैं। अगर आपकी सेफ्टी पिन को बहुत जल्दी जंग लगने लग गया है तो आप लोगों ने ये तरीका आजमाना है। एक साबुन ले लेना है और उसके अंदर अपने घर की तमाम सेफ्टी पिनें लगा देनी है। जितना भी जंग होगा वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, सबसे बढ़कर अगर जंग नहीं भी लगा हुआ तो कपड़ों को आप जो है ना बीच में अटक के कपड़े फाड़ देती हैं, तो बहुत बेस्ट तरीका है इनको शार्प करने का। इसी तरीके से जो है ना आप इनको लगा के तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ें। उसके बाद अपने किसी भी रेशमी कपड़े या सूती या रेशमी कोई भी कपड़ा हो जिस पर आप लगाना चाहें, आराम से लग सकती है। डबल कपड़ा हो, ट्रिपल कपड़ा हो, तो आपके सामने आप लोगों को लगा के दिखाऊंगी। ये बहुत बेस्ट तरीका है। अगर आप लोगों की सेफ्टी पिन ठीक से काम नहीं करती तो आप लोगों ने लाजमी इस टिप को आजमाना है। कोई भी घर में छोटा साबुन का टुकड़ा पड़ा हुआ है ना तो उसके अंदर सारी सेफ्टी पिनें लगा के रखें। दो फायदे होंगे, एक सेफ्टी पिनें भी ठीक और सेफ्टी पिनों से बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह की लिप ग्लॉस को लेकर है। लिप ग्लॉस तो हम बाजार से ले आते हैं लेकिन अक्सर औकात क्या होता है, वो पड़े पड़े जो है ना खुश्क होने लग जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरा लिप ग्लॉस जो है ना इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी ऐसा लिप ग्लॉस है जो बहुत जल्दी ड्राई हो गया है या आपको जो लिप्स पर आते हैं आपकी लिप्स को भी बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है या उसका स्टेन जो है ना बहुत ज़्यादा पक्का है, तो ये टिप जो है ना इन तमाम चीज़ों के लिए आप लोगों ने क्या करना है, अपना लिप ग्लॉस ले लेना है। उसके अंदर जो है ना आप लोगों ने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालना है, कोकोनट ऑयल ही डालना है आप लोगों ने, और किसी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स आप लोगों ने जो है ना इसके अंदर डालने हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालना। इससे क्या होगा, एक तो आपका लिप ग्लॉस जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा पक्का स्टेन छोड़ता है और आप चाहते हैं कि जब आप इसको आराम से उतारें तो बिल्कुल आराम से उतर जाए, क्योंकि ये इस तरह की जो है ना मैट लिपस्टिक या मैट लिप ग्लॉस बहुत मुश्किल से उतरते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर कोकोनट ऑयल डालना है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। सबसे बढ़कर जो है ना इसके अंदर आप शाइन चेक करें कि कितनी ज़बरदस्त शाइन आ जाएगी। एक ये पक्का स्टेन नहीं छोड़ेगा, दूसरा अगर ये ड्राई हो गया और इस्तेमाल में नहीं आ रहा तो बहुत बेस्ट तरीका है इसको ठीक करने का। अपने बेशुमार पैसों की बचत करें। आप समझते हैं कि लिप ग्लॉस ख़राब हो गया, लेकिन वो ख़राब नहीं होता, वो ड्राई हो जाता है गर्मी की वजह से। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से इसको ठीक कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप जो है ना मेरी इस तरह की कद्दूकश को लेकर है। कद्दूकश का इस्तेमाल तो हम आम जिंदगी में करते हैं लेकिन अक्सर का क्या होता है, ख़राब हो जाता है। छोटा सा आप लोगों ने काम करना है, कोई भी छोटा सा फॉयल पेपर का टुकड़ा ले लेना और इस तरीके से जो है ना फॉयल पेपर के टुकड़े को आपने कद्दूकश करना है। आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे। अगर आप लोगों के कद्दूकश पर जितना मर्जी जंग है या शार्पनेस ख़त्म हो गई है, बहुत बेस्ट तरीका है इसको ज़ीरो कॉस्ट बिल्कुल नया जैसा करने का। आप लोग छोटा सा फॉयल पेपर लें। यहाँ पर लोग जो है ना रेग मार का भी इस्तेमाल करते हैं, रेग मार का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा ये शार्प हो गया, ये बहुत बेस्ट टिप है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, खासतौर पे ख्वातीन के लिए जो किचन में काम करती हैं और किचन में इनको बहुत सारी परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल तो हम सब करते ही हैं, लेकिन कटिंग बोर्ड के कुछ ऐसे राज जो कोई नहीं जानता, ना ही आप लोगों को कोई बताता है। कटिंग बोर्ड पे जब भी हम कोई वेजिटेबल या कोई सब्ज़ी का कोई फ्रूट काटते हैं तो क्या होता है कि कटिंग बोर्ड जो है ना बहुत ज़्यादा आपस में हिलने लग जाता है। इसका क्या हल निकालना है वो भी बताऊँगी, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी ज़बरदस्त सी कटिंग बोर्ड की टिप आप लोगों को बताती हूँ। जब भी हमने कोई वेजिटेबल काट ली, हम उसको किसी बॉल में डालने लगे तो वो जो होती है अक्सर साइडों पे गिर जाती है, तो कटिंग बोर्ड के ऊपर ये जो सुराख होता है ना इसका यही फ़ायदा होता है और इसका इस्तेमाल भी यही होता है कि आप इस तरीके से अपनी वेजिटेबल अपने फ्रूट्स को बहुत आराम से किसी भी बर्तन के अंदर डाल सकते हैं, ना आपका साइडों पर गिरेगा ना ही जो है ना आप लोगों का बाहर गिरेगा। तो काफ़ी लोगों को जो है ना कटिंग बोर्ड के सुराख का बिल्कुल भी पता नहीं है कि किस लिए इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की टिप पसंद आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो मेरी कटिंग बोर्ड को ही लेकर है। जैसे मैंने आपको बताया, हम कोई भी वेजिटेबल या सब्जी काट रहे होते हैं तो कटिंग बोर्ड जो है ना बहुत ज़्यादा हिलता है, उससे क्या होता है हमारा हाथ भी जख्मी होने का डर होता है और सब्ज़ियाँ भी जो है ना इधर उधर गिर जाती हैं। बहुत छोटी सी और सिंपल सी टिप आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। जब भी आप लोगों ने वेजिटेबल काटनी है तो आप लोगों ने क्या करना है, 2 तरह के रबड़ बैंड होते हैं, एक छोटे एक बड़े। आप लोगों ने बड़े वाले रबड़ बैंड ले लेने और ज़्यादा थिक होते हैं, बहुत आराम से चढ़ जाएंगे। मेरा कटिंग बोर्ड जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी है तो ये इतना ज़्यादा हिलता नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों के पास ऐसे कटिंग बोर्ड होते हैं बहुत ज़्यादा वो पतले होते हैं या बहुत लाइट वेट होते हैं, तो जब वो
कटिंग कर रहे होते हैं ना किसी भी वेजिटेबल की, तो बहुत ज़्यादा आगे पीछे हिलते हैं, इससे हाथ जख्मी होने का भी डर होता है और सब्ज़ी भी सही तरीके से नहीं कटती। इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, दो रबर बैंड ले लेने हैं और दोनों तरफ आप लोगों ने इस तरीके से चढ़ा देने हैं। इसके बाद आप कटिंग बोर्ड पर जितनी मर्जी वेजिटेबल कटिंग करें, फ्रूट कटिंग करें, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, बहुत बेस्ट तरीका है। सबसे बढ़कर आपकी वेजिटेबल जो इधर उधर चली जाती है ना वो भी नहीं जाएगी, बिल्कुल दरमियान में ही रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, और नेक्स्ट टिप जो है मेरी बल्ब को लेकर है। बल्ब का इस्तेमाल तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन अक्सर का क्या होता है कि बल्ब की रोशनी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। हम सोचते हैं कि ख़राब हो गया, लेकिन बल्ब होता गंदा है, इसकी वजह से उसकी रोशनी जो है ना कम होने लग जाती है। बल्ब को साफ़ करने का आज ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताऊँगी, जितना मर्जी गंदे से गंदा बल्ब होना चंद सेकंड के अंदर आप लोग ठीक कर सकते हैं, साफ़ सुथरा कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी स्प्रे ले लेनी है, कोई हेयर स्प्रे है, कोई बॉडी स्प्रे है, कोई भी परफ्यूम है आप लोगों के पास एक्सपायर है तो आप लोगों ने वो ले लेना है, न्यू है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा आप लोगों ने परफ्यूम डालना है या कोई भी स्प्रे डालना है। मेरे पास जो है ना हेयर स्प्रे है और एक्सपायर है, तो मैं इसके साथ जो है बहुत सारी चीज़ों की सफाई करती हूँ, मैं इसको बिल्कुल फेंका नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में ये मेरी हेल्प करता है। तो इस तरीके से हल्का हल्का आपने स्प्रे करना है और टिश्यू की मदद से जो है ना अपने बाल को बहुत बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। मेरी बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी, सिर्फ मैंने एक बार स्प्रे किया और एक बार टिश्यू उसके ऊपर फेरा है, बहुत आराम से मेरे तमाम बल्ब साफ़ हो गए। जो हम समझ रहे होते हैं कि बल्ब ख़राब हो गए हैं, रोशनी कम होगी, असल में वो गंदे होते हैं। इस तरीके से साफ़ करें, आपके बल्ब बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट मेरी गोभी को लेकर है। गोभी का इस्तेमाल तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा होता है, ख़ासतौर पर गोभी का जब सीज़न आता है तो बहुत ज़्यादा गोभी पकती है, लेकिन गोभी को साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी सूंढियाँ होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती, या हम गोभी ले आते हैं हमने कुछ अर्से बाद उसको पकाना होता है तो उसको किस तरीके से महफूज कर सकते हैं, दोनों चीज़ों का हल आप लोगों को बताऊँगी। आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा चूल्हा जला लेना है और आप लोगों ने बिल्कुल दम वाली आंच करके जो है ना आप लोगों ने उसके ऊपर गोभी रख देनी है। इससे एक ये फ़ायदा होगा कि आपकी गोभी जो है ना फ्रिज में पड़ी रहेगी तो तकरीबन 20 दिन भी ख़राब नहीं होगी, और अगर इसके अंदर कोई भी सूंडियाँ या कोई भी कीड़ा है तो वो भी बहुत आराम से ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों ने जो ना फिर भी एक बार गोभी को जब भी काटें तो एहतियात से काटा करें, लाजमी गोभी या ऐसी कोई भी वेजिटेबल हो उसको देख के काटा करें, क्योंकि इनमें जो है ना अक्सर छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। चंद सेकेंड के लिए आप लोगों ने गोभी को चूल्हे के ऊपर रखना है और उसके बाद जो है तोड़ लेना, जलाना नहीं है आपने, यहाँ पे इसको हल्का सा सिर्फ सेक देना है। इससे आपकी गोभी एक तो बहुत टाइम के लिए महफूज रहेगी और दूसरा जो है ना इसके अंदर कोई भी कीड़ा वगैरह होगा वो भी खत्म हो जाएगा। बहुत बेस्ट टिप है, लाजमी आजमाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो मेरी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, अगर आप लोगों के पास 5 किलो है या 10 किलो लहसुन है, आप गैर हाथ लगाए 5 मिनट के अंदर छील सकते हैं। ऐसी बेशुमार टिप्स जो है ना मैं आप लोगों से पहले भी शेयर कर चुकी हूँ लहसुन के छीलने की, लेकिन आज की टिप जो है ना बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तमाम टिप्स का ये ना एक कहते हैं ना किंग होता है, वो वाली टिप है। आप लोगों के पास लहसुन है और आप उसको छीलना चाहते हैं और बहुत सारा लहसुन है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ एक बैलून ले लेना है, सिर्फ एक बैलून से आप अपने लहसुन बगैर हाथ लगाए छील सकते हैं। बैलून आप लोगों ने ले लेना है, उसको ऊपर वाले हिस्से से जो है ना इस तरीके से कटिंग कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों को लगता है आपका लहसुन बहुत ज़्यादा सख्त है तो 10 मिनट के लिए अपने लहसुन को पानी में छोड़ दें, उसके बाद इस टिप को इस्तेमाल करें। लेकिन मैं बगैर पानी के इस्तेमाल आप लोगों को करके दिखाऊंगी और बेहतरीन रिजल्ट निकलेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा जो है ना बैलून को आप लोगों ने फ्लेक्सिबल कर लेना है ताकि बहुत आराम से हमारा लहसुन छिल सके। तो आप लोगों ने इस तरीके से जो है ना लहसुन को बैलून के अंदर डाल देना है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने पहले भी बेशुमार टिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, लेकिन ये टिप जब मैंने आजमाई है ना तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि बहुत आराम से बहुत चंद सेकेंड के अंदर आपका लहसुन छिल जाएगा। पानी में अगर आप लोग डालेंगे तब भी बेहतरीन है, लेकिन मैं आप लोगों को बगैर पानी के इस्तेमाल करके दिखाऊंगी, इतना बेहतरीन रिजल्ट निकलेगा इसका, लहसुन के जो एक एक छिलका है ना बहुत आराम से उतर जाएगा। आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो ना इसको बैलून के अंदर कर लेना है और फिर अपने हाथों की मदद से जो ना इस तरीके से आप लोगों ने मसलना है। सबसे बढ़कर इसका फ़ायदा है, एक तो आपके हाथ जख्मी नहीं होंगे, आपके हाथों में से स्मेल नहीं आएगी, आपके नाखून नहीं दुखेंगे। तो यहाँ पर जो है ना मैं आप लोगों को अपने हाथों से आराम आराम से मसल के दिखा रही हूँ। चंद सेकंड के लिए आप लोगों ने इसको इस तरह मलना है। मैंने आप लोगों को आप प्लेट में रख के दिखा रही हूँ क्योंकि नीचे कपड़ा था, कपड़ा बहुत ज़्यादा हिल रहा था तो मैंने इसलिए इसको प्लेट में रख लिया ताकि मुझे जो है ना करने में आसानी हो। भी आप लोगों ने हल्का सा इसको जो ना इस तरीके से रगड़ना है। मैं कह रही हूँ आप लोगों का लहसुन इतने आराम से छिल जाएगा, दिखें तमाम लहसुन जो है ना उसके छिलके अलग हो गए। मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, सिर्फ अपनी हथेली की मदद से जो ना हल्का सा इसको मैंने रगड़ा है और मेरे तमाम लहसुन जो है ना बगैर हाथ लगाए छिल गया है। ये इतनी बेस्ट रेमेडी है ना, आप लोगों ने मेरे कहने पे सिर्फ एक बार तो लाजमी आजमाना है और मुझे आप लोगों ने लाजमी कमेंट करके बताना है कि आप लोगों का लहसुन छीला है कि नहीं। इस तरीके से आप अपना बेशुमार लहसुन बहुत चंद सेकेंड के अंदर छील सकते हैं।
और वो भी बग़ैर हाथ लगाए जो ना आप आराम से अपना लहसुन को छील सकते हैं। आप लोग लाजमी इस टिप को आजमाइएगा। अगर मेरी वीडियो में आप लोगों को कोई भी टिप पसंद आती है तो लाजमी आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, बेल के आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। 4 किलो हो 5 किलो हो लहसुन आप बग़ैर हाथ लगाए ना चंद सेकंड के अंदर छील सकते हैं, इस चीज़ की गारंटी मैं आप लोगों को दे रही हूँ। बैलून के ऐसे बेशुमार इस्तेमाल मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाजमी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल चेक करवाना है तो इंस्टाग्राम पर रब्ता करें। कल मिलूँगी न्यू वीडियो में, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।